प्रिय साधक, आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि वशीकरण करने से क्या होता है। वशीकरण करवाने वाले व्यक्ति को सर फिरा ऐसा पागल क्यों हो जाता है, उसका दिमाग स्थिर क्यों नहीं होता है और हमेशा एक ही जगह पर उसका दिमाग लगा क्यों रहता है, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप किसी भी लड़की के चक्कर में पड़े हैं या कोई लड़की लड़का के चक्कर में पड़ा हुआ है और वह वशीकरण मंत्र से उसे पाना चाहता है, तो क्या होता है कि पहले तो हमारा मन उस पे टिका हुआ है पहले से ही, और दूसरा में हम मंत्र का प्रयोग करते हैं जिसमें शक्ति का प्रयोग होता है और वह शक्ति उसे मिलाने का कार्य करता है, उससे बस में करके मिलाने का कार्य करता है और वही मिलाने के कारण में, जैसे कि आप लड़का हो किसी पे वशीकरण मंत्र का प्रयोग करवाया, तब क्या होता है कि वह शक्ति उस लड़की को भी आकर्षित करेगा आपके तरफ और आपको भी मन को उत्तेजित करेगा उनके तरफ, ताकि जल्दी से जल्दी मंत्र अपना असर शुरू करे। पहली बार मंत्र पढ़ के खिलाने पिलाने से वह काम हो जाता है, लेकिन कई बार जो है व्यक्ति दो बार तीन बार खिला देता है, इससे क्या होता है कि व्यक्ति का दिमाग पगला जाता है और उनको कहीं भी मन नहीं लगता है, ना तो उन्हें पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, ना तो काम धंधा में मन लगेगा और न ही किसी एक जगह पर उसे मन लगेगा। उनका दिमाग हमेशा उसी जगह पे स्थिर रहेगा जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेमिका के ऊपर लगवाया है या कहीं भी लगवाया है मंत्र से, वहाँ पर उसको लग जाएगा, क्योंकि मंत्र शक्ति है और शक्ति को नाम बता करके कहा जाता है मंत्र के अनुसार कि फलाने फलानी को मिला दो या बस में कर दो। यह सब जो है तरीका है और इसी सिस्टम से मंत्र कार्य करता है, इसलिए जो है वशीकरण मंत्र से बहुत लोग जो है काम करवाना चाहता है, हर काम को बनवाना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिका वाला काम में पागल होने का डर रहता है और कई लोग जो है इस परेशानी से आज भी जूझ रहा है और कई लोग आते हैं ठीक होके जाते हैं। यदि इस तरह का किसी को परेशानी है तो आप लोग अवश्य संपर्क कर सकते हैं।